अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एम फिल और पी आई डी के एडमिशन टेस्ट के डेट और टाइम अनाउंस हो गया। जो एम फिल और पी एच डी है उसका जो टेस्ट डे है वो 30 सितंबर होगा। तो उसके लिए जो टाइम है आपने रिपोर्टिंग टाइम वो 9 AM है। आपने सुबह 9 बजे डिपार्टमेंट पहुँच जाना है ताकि एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा आपका 9:30 पे होगा। तो आप बिफोर टाइम 9 o'clock पहुँचेंगे ताकि आप अपनी जगह पर बैठ सकें। आपको अपने रूम में बिफोर जो बैठ सके और जो आपका एग्ज़ाम है टाइमली स्टार्ट हो जाए। तो आपने जब डिपार्टमेंट जाना है तो उससे पहले कंफर्म कर लें, यानी से अगर आप आउट स्टेशन आ रहे हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है ओल्ड कैंपस है या न्यू कैंपस है। ये ना हो कि आप आपका डिपार्टमेंट न्यू कैंपस हो, आप ओल्ड कैंपस हैं तो आपको फिर 30 मिनट लगते हैं ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस जाते हुए, आपका ये टाइम वेस्ट हो। तो आप पहले ही कन्फर्म कर लें अगर आप आउट स्टेशन हैं कि आपका डिपार्टमेंट ओल्ड कैंपस में या न्यू कैंपस में। जो अब हमारा मैथ कैंपस है या स्टैट डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स है, पहले ओल्ड कैंपस में थे GCUF के, अब ये ओल्ड न्यू कैंपस में है। तो मैथ स्टूडेंट के जो बच्चे हैं वो न्यू कैंपस में शहद कमाल ब्लॉक में टेस्ट देने आएंगे 2nd फ्लोर पे। तो आपने जब आना टेस्ट देने उससे पहले अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो आप लोगों ने प्रिंट कर लेनी। उसके लिए जो एड्रेस है यहाँ पर लिखा हुआ है admissions.gcuf.edu.pk लॉग, तो इस पर जाके आप अपनी रोल नंबर स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। तो सिर्फ वही स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट दे सकेंगे जिन्होंने इसकी एडमिशन टेस्ट फ़ी पे की है। जिन बच्चों ने सिर्फ फॉर्म फिल किया है, फ़ी पे नहीं की, तो वो बच्चे फ़ी टेस्ट नहीं दे सकेंगे। अभी भी यूनिवर्सिटी ने 1 डे दिया है उनको, और अगर वो कल ऑफिस आवर्स के अंदर वो इसी पोर्टल पे जाके रीजनरेट करके उसका जो फ़ी वाउचर है अगर फ़ी पर पे कर देंगे तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट देने के लिए। अगर वो नहीं पे करेंगे तो वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप कोशिश करें आप टेस्ट के जब आप घर से निकलें तो 30 मिनट का या 40 मिनट का मार्जिन रख के निकलें ताकि अगर दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप टाइमली टेस्ट टाइम पे पहुंच सकें और आप टाइम पे स्टार्ट कर सकें। और जाते आप नोटिस बोर्ड या ऑफिस में देखें आपका सिटिंग प्लान क्या है, आपका सीरियल नंबर कहाँ पे आ रहा है और किस जगह पे आपकी सिटिंग आ रही है, उस जगह पे अपनी जगह पे बैठें। आपका जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होगा और इसमें आपके टोटल 100 MCQs होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसमें आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है उसको आप टिक फिल कर दें या टिक कर दें। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हम उसको फिल करते हैं। कोशिश करें आप बॉल पॉइंट के बजाय मार्कर यूज़ करें, मार्कर से आपका जो आपने जो राइट ऑप्शन को फिल करना वो क्विक हो जाता है, बॉल पॉइंट से आपको ज़्यादा टाइम लगता है। जो जो पासिंग मार्क्स हैं एमफिल के लिए 60 हैं और पीएचडी के लिए 70 मार्क्स हैं। अगर आपके 69 है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, अगर 70 है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जस्ट पासिंग क्राइटेरिया है, इसके बाद इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है इन मार्क्स का। अगर 60 है तो आप क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। अगर लेस देन 60 या फॉर एम फिल तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे आगे फॉर प्रोसेस के एडमिशन के। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में आपका जो एडमिशन टेस्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप भी हो सकता है, जिसमें जैसे MCQs वगैरह नहीं बन सकते। तो उसमें जैसे फाइन आर्ट्स है, पंजाबी है, उर्दू है या इस्लामिक स्टडीज़, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। यूजली ज़्यादातर MCQs होते हैं, मगर कुछ डिपार्टमेंट्स सब्जेक्ट की नियत के हिसाब से वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो रिज़ल्ट होगा वो आपके उसी दिन चेक करेंगे। अगर तो उनके स्टूडेंट्स कम हुए तो आपका रिज़ल्ट जल्दी अनाउंस हो जाएगा, अगर उनके आप उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ज़्यादा हों तो वो फिर लेट अनाउंस होगा। जैसे मैथ डिपार्टमेंट उसके स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको रिज़ल्ट को चेक करते हैं, उनको डाटा अपलोड करते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, उसमें कोई एरर ना रह जाए तो उस टाइम लगता है। तो जैसे ही डिपार्टमेंट पेपर मार्किंग कर लेता है, उसकी अपलोड कर लेता है मार्क्स, उसकी जो पासिंग स्टूडेंट की लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम मैथ डिपार्टमेंट की नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले कर देंगे और हमारा जो डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज है उस पर भी इसको डिस्प्ले कर देंगे। इस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। और जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो सेम डे में भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास बहुत कम स्टूडेंट हैं उस डिपार्टमेंट के तो उसी दिन इंटरव्यू कर लेंगे, तो जो बाकी हैं वो कुछ डिपार्टमेंट है नेक्स्ट डे करेंगे। तो हमारा जो मैथ डिपार्टमेंट है आपके जो
इंटरव्यू है वो नेक्स्ट डे करेंगे, सेम डे हमारे पॉसिबल नहीं होंगे, हमारे स्टूडेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा हैं, फर्स्ट डे में टेस्ट के हम लेंगे और उससे नेक्स्ट डे जो 30 अक्टूबर है उसको हम लोग इंटरव्यू लेंगे। ये शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा, जो भी अगर इसमें कोई चेंज हुई तो वो भी उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे नोटिस बोर्ड पर। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपका जो एडमिशन टेस्ट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसका फर्दर मेरिट कैलकुलेटिंग में कोई वेटेज नहीं है। और जो फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट है वो जैसे ये इंटरव्यू के मार्क्स जाएंगे रिजल्ट कंपाइल होकर आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो जिन लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए वो फी पे कर सकते हैं। और सिलेबस के बारे में आप ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा, आप एम फिल या पी एच डी में तो आपके एम एस सी लेवल के कंपल्सरी सब्जेक्ट का मेरिट सारे होते हैं आपके एडमिशन टेस्ट के लिए। तो जैसे मैथ है तो उसके लिए आप लोगों ने ये सब्जेक्ट तैयार कर लें, रियल एनालिसिस कम्प्लेक्स अलजेब्रा फंक्शन एनालिसिस पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी मैकेनिक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री वेक्टर एनालिसिस कैलकुलस सेट थ्योरी न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशंस पीडीएस वगैरह, ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। जो भी आपका टेस्ट होता है मैथ में, चाहे वो पीपीएससी का हो चाहे कोई एडमिशन टेस्ट हो, तो ये या कोई कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यू टाइप हो, तो सारा इन्हीं सब्जेक्ट से बनता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।